हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको बताएंगे क्लोन ट्रेन के बारे में। क्लोन ट्रेन होता क्या है, इसे आने वाले समय में क्या फ़ायदा होगा, इसे क्यों लाया जा रहा है, सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लोन ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस साल 2020 में 21 सितंबर से क्लोन ट्रेन शुरू किया गया है। अभी सिर्फ पूरे भारत में 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतर ट्रेनें बिहार राज्य के लिए शुरू की गई हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये क्लोन ट्रेन होता क्या है। अब आने वाले समय में कई जगह आपको सुनने को मिलने वाला है ये वर्ड क्लोन स्पेशल ट्रेन। आसान भाषा में देखा जाए तो क्लोन ट्रेन का मतलब है जुड़वा ट्रेन, डुप्लीकेट ट्रेन, यानी दो स्टेशनों के बीच चलने वाली कोई भी ट्रेन का जुड़वा हो, वहीं सेम ट्रेन को हम लोग क्लोन स्पेशल ट्रेन के नाम से जानते हैं। अब उदाहरण में आप समझिएगा, ट्रेन नंबर 02156 हजरत निजामुद्दीन से हबीबगंज जाने वाली शान ए भोपाल सुपर फास्ट एक्सप्रेस, यह ट्रेन जब पूरी तरह से भर जाएगी और जो वेटिंग लिस्ट वाले बच गए हैं, जो यात्रियों का वेटिंग में है टिकट और उन्हें उसी डेट में जाना है, तो जो मतलब कि अब ये ट्रेन तो पूरी तरह से आपकी भर चुकी है ट्रेन नंबर 02156, लेकिन जो वेटिंग वाले हैं उनको क्लोन ट्रेन में उसी डेट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना और लॉकडाउन में ट्रेनों में सिर्फ रिजर्वेशन जिसका कंफर्म है उसी को इजाज़त मिल रहा है सफ़र करने को। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन में ऐसा किया गया है। तो बस यही है क्लोन स्पेशल ट्रेन। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है और आप वेटिंग में हैं तो आपको क्लोन स्पेशल ट्रेन में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहीं सेम वही ट्रेन जिसमें आपका टिकट था जिस ट्रेन का, उसी सेम नंबर ट्रेन से यह क्लोन स्पेशल ट्रेन गाड़ी चलेगी। अब बात करते हैं क्लोन स्पेशल ट्रेन आने से क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले रूट तो आपका वही रहेगा, लेकिन क्लोन स्पेशल ट्रेन में फ़ायदा यह है कि यह ट्रेन सिर्फ मुख्य स्टेशनों पर ही रुकेगी। ओरिजिनल ट्रेन का स्टॉपेज तो ज़्यादा होता है, पर जो डुप्लीकेट ट्रेन है यानी क्लोन स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज ओरिजिनल ट्रेन से कम रहेगा, सिर्फ खास स्टेशन पर ही रुकेगी। और दूसरा पॉइंट है, क्लोन स्पेशल ट्रेन सामान्य तौर पर थर्ड एसी कोचेस ट्रेनें होंगी, यानी कि ये जो ट्रेन होगी वो पूरी थर्ड एसी कोचेस से भरी रहेंगी और जो इसकी स्पीड होगी वो ओरिजिनल ट्रेन से ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट है, क्लोन स्पेशल ट्रेन सिर्फ उन्हीं रूटों पर चलेंगी जहां पर सबसे ज़्यादा वेटिंग और ट्रेनों की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। चौथा पॉइंट है, क्लोन स्पेशल ट्रेन का जो कोचेस होंगे वो बहुत ही आरामदायक होंगे, इसमें आपको हम सफ़र के कोचेस अधिकतर मिलेंगे क्लोन स्पेशल ट्रेन में। पाँचवा पॉइंट है, ओरिजिनल ट्रेन के छूटने के बाद, छूटने के समय से 4 घंटे पहले चार्ट फाइनल होने के बाद यात्रियों को क्लोन ट्रेनों में उनकी बर्थ के बारे में जो सूचना दी जाएगी वो रेलवे सूचना देगी। अभी फिलहाल 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन की सूचना दी गई है चलने को अपने भारत में। पूरे भारत में 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन यानी कि 40 ट्रेनों की लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और आप अपनी ट्रेन को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की जानकारी क्लोन स्पेशल ट्रेन के बारे में। मैंने आपको क्लोन स्पेशल ट्रेन के बारे में आसान भाषा में समझा दिया और उसके फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय रेलवे से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए पूरे भारत की सच्चाई के साथ, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। और फ्रेंड्स, आप लोग हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ पर आप हमें इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें पर्सनली चैट इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सब अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस में घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, मास्क लगाते रहें, 2 गज की दूरी रखें और अपना हाथ सैनिटाइज करते रहें, किसी को टच मत करें, और इमरजेंसी हो तभी यात्रा कीजिए, वरना यात्रा इस साल 2020 में तो बिल्कुल ही मत करें। चलते हैं फ्रेंड्स, आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, खाएं पिए मस्त रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर, बाय बाय।